नमस्कार, प्रभासाक्षी के शब्द ध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शीतला सप्तमी होली के 7 दिन बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को होती है और शीतला अष्टमी को बासी खाने का भोग लगाकर शीतला माता की पूजा की जाती है। इस साल शीतला सप्तमी 14 मार्च को है। यह व्रत मुख्यतः महिलाएं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और उनकी दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। आइए तो आपको बताते हैं इस व्रत का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। सबसे पहले जानते हैं कि कैसा है शीतला माता का स्वरूप। स्कंद पुराण में शीतला माता के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार शीतला माता गधे की सवारी करती हैं और हाथों में कलश, झाड़ू, सूप धारण किए रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता शीतला की पूजा करने से बच्चों को निरोग रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बच्चों के बुखार, खसरा, चेचक, आंखों के रोगों से भी रक्षा होती है। माँ को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और इसके पीछे ऐसा संदेश दिया जाता है कि अब पूरी गर्मियों के मौसम में ताज़ा खाने का ही प्रयोग करना होगा। शीतला सप्तमी पर माँ दुर्गा के स्वरूप शीतला माता की पूजा की जाती है। साथ ही इस व्रत को करने से आरोग्य का वरदान मिलता है। माता शीतला आपके बच्चों की गंभीर बीमारियों से रक्षा करती हैं। बच्चों की हर बुरी नज़र से रक्षा होती है। इस त्यौहार को कई स्थानों पर बासोड़ा भी कहते हैं। माताएं इस दिन गुलगुले बनाती हैं और शीतला अष्टमी के दिन इन गुलगुलों को अपने बच्चों के ऊपर से उपार कर कुत्तों को खिला देती हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से बीमारियां बच्चों से दूर रहती हैं। शीतला सप्तमी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी 13 मार्च 2023 को रात 9:27 से आरंभ होगी और इसका समापन 14 मार्च को रात 8:22 पर होगा। इसलिए उदयातिथि की मान्यता के अनुसार इसका व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा। उत्तर भारत में कहा जाता है बासोड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान व मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर इस त्यौहार को बासोड़ा कहते हैं, जो कि बासी भोजन का भोग लगाने के कारण कहा जाता है। इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग सप्तमी की रात को बासी भोजन तैयार कर लेते हैं और अगले दिन देवी को भोग लगाने के बाद ही खाना ग्रहण करते हैं। कहीं पर हलवा पूरी का भोग तैयार किया जाता है तो कुछ स्थानों पर गुलगुले बनाए जाते हैं। गन्ने के रस से बनी खीर का भी भोग लगाया जाता है। यह सभी व्यंजन सप्तमी की रात को तैयार कर लिए जाते हैं और इनका अष्टमी के दिन भोग लगाया जाता है। शीतला सप्तमी का अनुष्ठान कैसे करें? इस विशेष दिन पर भक्त शीतला माता की पूजा और अनुष्ठान करते हैं। लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं और ठंडे पानी से स्नान करते हैं। इसके बाद वे देवी शीतला के मंदिर जाते हैं और विभिन्न अनुष्ठान और पूजा करते हैं और एक खुशहाल, स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए देवी से प्रार्थना करते हैं। पूजा संपन्न करने के लिए भक्त शीतला माता व्रत कथा पढ़ते और सुनते हैं। देश के कुछ हिस्सों में लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर के मुंडन की रस्म भी करते हैं। शीतला सप्तमी के दिन भक्त खुद खाना नहीं पकाते हैं, वे केवल उस सामान या फिर भोजन को खाते हैं जो एक दिन पहले तैयार किया गया था। इस दिन गर्म और ताज़ा पके हुए भोजन का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।